हेलो गाइस, आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से टूटी फूटी बनाना सिखाती हूँ। अगर आपको मेरी टूटी फूटी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, मैंने चार कलर से टूटी फूटी बनाई है जो मैंने तरबूज के छिलकों से तैयार किया है। चलिए हम लोग अपनी टूटी फूटी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, बचे हुए तरबूज के छिलके चाहिए, कलर्स चाहिए, आपके पास जो कलर्स हो आप लगा सकते हैं, लिक्विड वाला हो वो भी। मेरे पास सूखा है इसलिए मैंने ये तीन सूखे कलर्स लिए हैं। आधी कटोरी चीनी ली है और मैंने इसी को पहले से पतला पतला काट के ये रख लिया। इसको कैसे काटना है आइए हम आपको बताते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। जो ये व्हाइट व्हाइट हमारा हिस्सा होता है और ये जो पीछे ब्लैक का, इसको थोड़ा मोटा मोटा सा ऐसे निकाल देंगे। ऐसे निकाल के ये देखिए, इसमें ग्रीन पन और ये रेड पना भी नहीं दिखना चाहिए, जो तरबूज का होता है वो नहीं होगा। और इसको ऐसे इतने इतने ऐसे ऐसे टुकड़ों में काट लेंगे। इसी तरीके से आप सारे काट लीजिएगा, मैंने पहले से काट के रखा है। आप इसी तरीके से पूरे काट के एक बाउल में अच्छे से धुल के रख लीजिएगा। और एक हमें पानी चाहिए थोड़ा सा बॉईल करने के लिए। आपको एक कढ़ाई लेनी है, गैस मैंने ऑन कर दी है, कढ़ाई मैंने रख दी है। अब इसमें हम एक छोटा जार पानी पूरा डाल देंगे। अब इस पानी को हम बॉईल होने देंगे। एक से दो मिनट में ये पानी बॉईल होने लगेगा। जब ये पानी बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें अपनी जाएगा। तो मैंने जो छोटे छोटे टुकड़े तरबूज के काट के रखे हैं छिलकों के, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अभी हमारा पानी बॉईल नहीं हुआ है, एक से दो मिनट के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। देखिए मेरा पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम ये जो मैंने छिलके काटे थे अब वो मैं सारे इसमें डाल दूंगी। और ये आपको तब तक इसमें चलाते रहना है जब तक ये पूरे ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। आप इसको इसी तरह इसमें छोड़ दीजिए, बस थोड़ा थोड़ा बीच बीच हिलाते रहिएगा और ये अपने आप एक से दो मिनट में ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। देखिए मैंने इसको देखा है, लेकिन अभी हमारा एक से डेढ़ मिनट हो चुका है लेकिन ये हमारे ट्रांसपेरेंट नहीं हुए हैं। अब मैं इसको पांच मिनट के लिए छोड़ दूंगी। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक देती हूँ कि हमारे ये जल्दी से हो जाए। देखिए हमारे पांच से सात मिनट तक का हो गया और ये देखिए पूरे ट्रांसपेरेंट हो गए। ये देखिए अब हम इसको छान लेंगे एक छन्नी से। अब मैंने गैस बंद कर दी है। अब मैं इस तरीके से इसको एक छन्नी से छान लेती हूँ। कैसे छन्नी से भी निकाल के कर सकते हैं, आपको जो सुटेबल लगे या जो अच्छे से आप कर सकें वो कर लीजिए। इसी तरीके से हम सारे निकाल लेते हैं। देखिए ये मैंने एक प्लेट में इसको अच्छे से निकाल लिया है। अब जब तक ये हल्के से ठंडे होते हैं तब तक मैं अपनी चाशनी तैयार कर लेती हूँ। मैंने कढ़ाइया चढ़ा दी है और कढ़ाइया मैंने गैस ऑन कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब मैं इसमें पानी डालूंगी चाशनी के लिए। ये देखिए मैंने आधा जार पानी डाला है। जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। देखिए पानी हल्का सा गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपनी ये चीनी जो थी वो सब डाल देंगे। हाँ ले रहो। चीनी डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से ऐसे चला लेंगे जब तक ये पूरी चीनी इसमें अच्छे से घुल ना जाए। हमारी अच्छे से चाशनी ये तैयार हो गई है। हमें इसमें एक तार और दो तार की चाशनी नहीं चाहिए, जैसे नॉर्मल जैसे पाक के चाशनी बनती है। अब हमने जो टूटी फूटी के लिए ये बेस तैयार किया है, अब हम इसमें सारा बेस इसमें डाल देंगे और इसको पांच मिनट तक का चलाएंगे अच्छे से कि पूरा रस हमारी सारी इसमें एब्जॉर्ब कर ले। अब हम इसको फ्लेम हमारा तेजी रहेगा। देखिए हमारा इसको अब अच्छे से इसे डिप कर दीजिए कायदे से। देखिए हमारी चाशनी पूरी में पूरी जितना हमारा ये बैटर है सब पूरा अच्छे से। देखिए पूरी चाशनी हमारी कितने अच्छे से इसने पूरी सोख ली है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं, फिर हम इसको तीन हिस्सों में अलग अलग बांटेंगे। आइए पहले हम इसको एक बाउल में पूरी चाशनी हम निकाल लेते हैं।
देखिए मैंने सारा एक बॉल में निकाल के रख लिया है। अब हम इसको तीन जगह डिवाइड कर देंगे। मेरे पास तीन कलर हैं, लेकिन मैं इसको चार कलर में करूंगी। एक मैं इसको व्हाइट में भी आपको दिखाऊंगी। देखिए एक तीन कलर्स तो मैं मिलाऊंगी और व्हाइट का तो कोई कलर नहीं होता, इसलिए मैं इसको एक सिंपल व्हाइट में छोड़ दूंगी। और अब मैं इसको तीनों बाउलों में डाल देती हूँ। देखिए ये तीनों कलर हमारे पास है, अब हम इनमें तीनों में डाल देते हैं। देखिए मैंने अलग अलग चार बालों में निकाल के रखा था। ये देखिए मैंने येलो अच्छे से, ये देखिए आप अच्छे से इसी तरीके से सारे कलरों को मिला दो। अपने आप जैसे जैसे मिलाते जाएंगी वो कलर सोता कर जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा रेड कलर आया है, कितना अच्छा ग्रीन कलर है, और ये देखिए एक मैंने व्हाइट भी तैयार कर लिए। इससे हमारे चार कलर टूटी फूटी के तैयार हो गए। लॉकडाउन के चलते इस समय टूटी फूटी नहीं मिली, आप घर में बहुत अच्छे आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको इसको यूज करना है तो आप तुरंत भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें डेढ़ से दो दिन लगता है। इसको डेढ़ से दो दिन इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। पूरी जितना ये जो कलर्स आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं ना, ये सब पूरा अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।